हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अजय पाल सर फ्रॉम विवेकानंद स्कूल बनी। नाउ वी स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ क्लास सिक्स साइंस। ओके, हमने पहले क्या किया था कि आपको पता है जो तंतु है दो तरह के होते हैं। एक होता है हम उसको पादप से मतलब उनको पौधों से प्राप्त कर सकते हैं। तंतु मतलब समझते हो ना, जिससे मिलके हमने धागा बनाना है, धागे से हमने कपड़े बनाने हैं। तो सबसे पहले तंतु की बात करेंगे। तंतु हम धागा बनाना चाहते हैं, तो धागा हम कैसे बनाएंगे? हम उस धागा बनाने के लिए हम कैसे छोटी छोटी रुई के टाइप छोटी छोटी संरचनाएं लेंगे? तो सबसे पहले हम जो तंतु बनाते हैं वो हम पादपों से बनाते हैं। ओके, पादपों मतलब हम पौधों से बनाते हैं। तो पौधों के अंदर सबसे ज्यादा जो कपड़े बनाए जाते हैं वो रुई से, कपास से बनाए जाते हैं। क्या आपने कभी तेल के लैंपों के लिए बत्तियां जगाई हैं? ओके, आपने तेल के लैंप दिए बालते हो ना दिवाली के ऊपर, तो उसके लिए आप लैंप के अंदर बत्तियां बनाते हो, तो वो बत्तियां भी आप रुई से ही बनाते हो। इन बत्तियों को बनाने के लिए आप क्या उपयोग में लाते हैं? इस रुई का उपयोग गद्दों, रजाइयों अथवा तकियों में भी किया जाता है। तो ये आपको सबको पता है, आप बहुत सियाने बच्चे हो। कुछ रुई लीजिए, थोड़ी सी रुई लीजिए, इसे खींचकर पृथक कीजिए, इसे खींचिए और इसके किनारों को ध्यान से देखिए, आपको क्या प्रेक्षण होगा? ये छोटी पतली लड़ियां दिखेंगी जिन्हें आप देख रहे हैं, कपास तंतुओं से बनी है, कपास के तंतुओं से बनती हैं। रुई कहाँ से आती है? इसे खेतों में लगाया जाता है। साधारणतः कपास के पौधे वहाँ उगाए जाते हैं जहाँ की मृदा काली तथा जलवायु उष्ण होती है। कपास होती कहाँ पे है? जहाँ पे मृदा जो मिट्टी है वो काली मिट्टी में होती है और जलवायु पता है आपको क्या होती है? उष्ण का मतलब होता है गर्म होती है। गर्म जलवायु के अंदर, गर्मियों के मौसम के अंदर ही कपास होती है। क्या आप ऐसे कुछ राज्यों के नाम बता सकते हैं जहाँ हमारे देश में कपास की कृषि की जाती है? ओके, कपास आपने बताना है कहाँ कहाँ पे कपास की सबसे ज़्यादा कृषि की जाती है। कपास पादप के फल, कपास गोलक, इसको कॉटन बॉल्स भी बोलते हैं। कॉटन बॉल्स लगभग नींबू की मात के होते हैं। कॉटन बॉल्स आपने देखे होंगे, कपास जिसमें से निकलती है तो वो नींबू के जैसे होते हैं। पूर्ण परिपक्व होने पर बीज टूटकर खुल जाते हैं। आपको पता है वो जब पूरे पक जाते हैं तो एकदम से वो फट जाते हैं, तथा कपास तंतुओं से किसे ढके बिनोले को देखा जा सकता है। उसके अंदर कपास के बीज होते हैं जिनको बिनोला बोलते हैं, वो पशुओं को भी डालते हैं। क्या आपने ऐसा कपास खेत देखा है जो कपास चुने जाने के लिए तैयार हो चुका है? इस समय खेत कपास के लिए परु फूलों रोगों से इतना श्वेत हो जाता है जैसे हिम से ढका हो। तो ये देखो, कपास का स्ट्रक्चर आपको लग रहा है जैसे बर्फ पड़ी है, तो इस तरीके से कपास बन जाता है। ओके, साधारणतः इन कपास बोलों से कपास को हस्तचिन्हित द्वारा प्राप्त किया जाता है, हाथ से चुगा जाता है उसको। इसके पश्चात कपास से बीजों को कंतक द्वारा कंकतंक, एक तरह की जैसे आप कंघी करते हो ना, इस तरीका का एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे वो बीज अलग किए जाते हैं। इस प्रक्रिया को कपास ओंटना भी कहते हैं। देखो, कपास ओंटना कर रहा है वो। क्या पारंपरिक ढंग से कपास हाथों से ओटी जाती थी, आजकल कपास ओंटने के लिए मशीनों का उपयोग किया जाता है। ओके, तो ये आज हम यहाँ तक करेंगे। इसके लिए आपने अच्छे से पढ़ना है और आपने ये करना है। ओके, उसमें से जितने क्वेश्चन बनते हैं वो आपने डिस्कस करने हैं। टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।